आज हम मसाला छाछ बनाएंगे। इसके लिए हमने ले लिया है फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना। इन दोनों को अच्छे से वॉश करके बारीक काट लें। उसके बाद लिया है वाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद दूसरी प्लेट में लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और एक मिर्च, हरी मिर्च। और साथ ही लिया है मैंने इसमें आधी कटोरी दही। अब एक मिक्सी ग्लास में डाल देंगे पुदीना, हरा धनिया और एक हरी मिर्च। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे काला नमक और सफ़ेद नमक। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ में काली मिर्च पाउडर। और आधी कटोरी जो फ्रेश दही है उसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। और पीसने के बाद ये देखिए इस तरह से है। अगर ये ठीक से ना पिसा हुआ हो, कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे, तो आप इसे छान भी सकते हैं। उसके बाद एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 आइस क्यूब्स और उसमें मैंने अपनी छाछ इसमें डाल दी है। छाछ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा भुने हुए जीरे के पाउडर को इस तरह से पूरे पे छिड़क दिया है। और इसके बाद एक छोटे से पुदीने को इस पे ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दिया है। तो हमारी ये मसाला छाछ बन के रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।